IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी में ब्लॉग वार जारी है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद से पहले पार्टी के एक और अहम सदस्य ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पारिक ने अपने ब्लॉग में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर पारिक ने लिखा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का अपमान हो रहा है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि पार्टी में अलग राय रखने वालों को क्या गद्दार कहा जाएगा, क्या सवाल पूछने वालों का अपमान किया जाएगा, क्या बोलने की आजादी छिन गई है। 28 मार्च को आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। पारिक ने आईबीएन 7 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल चापलूसों से घिरे हैं। राकेश जी, आपने जो ब्लॉग लिखा है मेरे हाथ में है, इस ब्लॉग में आपने जो बुनियादी तरीके से सवाल उठाए हैं कि आपका मतलब अरविंद केजरीवाल होगा, क्यों ऐसा? ये सवाल उठाने इसलिए पड़े क्योंकि हमारे पास अपनी बात रखने का एक ही मंच होता है और वो है हमारी राष्ट्रीय परिषद। उस परिषद की बैठक हमारी पार्टी बनने के बाद केवल दूसरी बार हो रही है और वो केवल एक दिन के लिए हो रही है। उस बैठक में एजेंडा में इतना समय नहीं है कि हम लोग अपनी बात रख पाए, तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि इस बैठक को बढ़ाइए। और मैंने भी कई लोगों ने निवेदन किया था, कम से कम करिए, पिछली बार ऐसा एश्योरेंस दिया गया था करेंगे, लेकिन नहीं की गई। तो हम लोग कुछ मिलकर 10-15 लोगों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी एक बैठक करेंगे जो अनौपचारिक बैठक होगी, ताकि हम लोग अपने मुद्दों को डिस्कस कर पाए और साथ में उठा कर पाए सारे को। उसके बाद सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया, इसे साजिश कहा जाने लग गया, एक एक के खिलाफ साजिश कहा जाने लग गया। अरविंद के खिलाफ साजिश करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद हमारे एक सर्वमान्य नेता है, सभी लोग उनको हमारा सहयोग चाहते हैं। और कार्यकर्ताओं को समस्या उनसे नहीं है, कार्यकर्ताओं को समस्या अन्य लोगों से है जो अरविंद के आसपास रहते हैं, उनको घेरे रहते हैं और जो इस पार्टी की विचारधारा खिलाफ काम कर रहे हैं, जो ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं, नेताओं का अपमान कर रहे हैं। ये भाषा हमारी पार्टी की नहीं है, उससे नुकसान पहुँच रहा है पार्टी को, उससे कार्यकर्ता आहत हो रहे हैं और वो लोग जो ये कर रहे हैं इसका विरोध होगा राष्ट्रीय परिषद बैठक में। इससे बचने के लिए फिर वो इसे ऐसा प्रेजेंट करे जैसे कोई अरविंद के खिलाफ ये कुछ हो रहा है, तो ये गलत है और इसलिए मुझे ब्लॉग लिखना पड़ा था। आपने ये भी लिखा कि ये कुछ लोग हैं जो अरविंद के नाम का दुरुपयोग भी करें, वो लोग कौन हैं जो जिस तरीके आप साजिश की बात कर रहे हैं, जिन्होंने साजिश रखी? देखिए, ये तो आप जानते हैं सब लोग कि जो हमारे अभी बयान आए थे, आशुतोष हो, आशीष हो या फिर और दिलीप पांडे, ये लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं शांति भूषण के खिलाफ, प्रशांत भूषण के खिलाफ, विभिन्न यादव के खिलाफ, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये सारे सम्मानित सदस्य हमारी पार्टी के, उनके बारे में आप जो जिम्मेदार लोग हो वो ऐसे खुलकर सार्वजनिक मंच पर बोलो, ये ठीक नहीं है। उनका अपमान किया जा रहा है बार बार, ट्विटर पर अपमान होता है कुछ लोग, इस वजह से हो रहा ऐसा रहा है कि पार्टी बट रही है, कार्यकर्ता डिवाइड हो रहे हैं, कोई अरविंद के खिलाफ बोलता है, कोई अरविंद योगेंद्र यादव के खिलाफ बोलता है, इससे नुकसान पार्टी को हो रहा है और कार्यकर्ताओं को हो रहा है। उसके अलावा ये हमारी एक हमारी पार्टी के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है,